राकेश टिकैत खुद बैठे हैं धरने पर आकर और इन्होंने पहले कहा था कि कुछ क्षेत्र कमेटी जो फैसला है उसको मंजूर करेंगे। ठीक है साहब, टेम्परेचर बढ़ जाए किसान आदमी परेशानी तो है नहीं, लेकिन हाईवे पर बैठे हैं तो सरकार तो मानी नहीं, मुख्यमंत्री बातचीत भी बुलाया था। मान जगह एक आध दिन में मान जगह, जनता को परेशानी हो रही है, किसान परेशान है, हाईवे हाँ जनता तो भाई जो बैठी उन्हें परेशानी तो है ही। क्या कहना चाहेंगे हाईवे जाम करने की? आप मना कर जाम नहीं होना चाहिए, जाम तो हो गया। जाम कहाँ करा है, तो जाम तो करते ही नहीं है ना, ये तो बैठे इसमें ना, जाम नहीं करते। किसानों का जो आगे मार्च करते हुए अब आ गए हैं तो अब जाम रहेगा? जाम कहाँ रहेगा, तो सरकार चाह रही खुलवा दे इसको भाई, सरकार तो खुलवा सके, लेकिन यह तो पांच तक खुलेगा और या भाई पुलिस की गाड़ी से खुलेगा, खुलवा दो, जोन सी चीज से भी खुलवाना चाहते हैं। तो लड़ाई थी कि हाईवे जाम किया था तभी लाठीचार्ज हुआ था, और फिर आज नहीं कर रहा इन्होंने, आज नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है क्यों नहीं रोका? अब पता नहीं, अगर रोकते तो हम तो वहीं बैठ जाते, पुलिस ने ही कहा आगे चले जाओ, सड़क छोटी है वहाँ, हमारे पैसे दिलवाए तो एक आधी बात हमारी भी कह दो, एक आधी बात कह दो, प्यार से हमारी भी हमारे पैसे दिलवा दो। आज के दिन मुख्यमंत्री ने बुलाया था, आप नहीं? हम नहीं, हाईवे कहाँ जाम कर रहे हैं हम, ऊपर हाईवे जाम कर दिया। अरे कहाँ करा, वो तो देखने का फर्क है, हमें तो दिखाई दे ना, आप और नीचे आपको ऊपर का दिखाई देगा, नहीं कहाँ दिखाई दे रहा आपको, ना 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 सरकार से तुम्हारा बातचीत हो गया? हाँ हो जाएगी बात, तो होगी। आप कब तक रुकेंगे यहाँ पे, जब तक चलेंगे? यही है अभी, तो सलाह करेंगे तो यही देंगे। मीटिंग करेंगे? हाँ मीटिंग करेंगे। क्षेत्र कैसा स्थान है? अरे क्रांतिकारी क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, तो हाँ कुरुक्षेत्र है, असली कुरुक्षेत्र यही है, तो है हाँ लिखी जा सके, लिखी जा सके। आप क्या नाम रखे? जी कुरुक्षेत्र क्रांतिकारी भूमि है, यहाँ से कुछ भी नहीं हो सकता, और हाईवे जाम है, हालांकि टिकैत कहते हैं हाईवे जाम नहीं है, जाम कहाँ है, लेकिन निश्चित रूप से राकेश टिकैत खुद बैठे हैं हाईवे से साइड बीच में डिवाइडर के ऊपर। इनका साफ कहना है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी संघर्ष जारी रहेगा।